स्टैंडर्ड फोर्थ पेज नंबर 32 15 अ कोलाज। कोलाज मतलब कि आपको बहुत बार स्कूल में टीचर ने सिखाया होगा, लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों को सिखाया था। बहुत ही सुंदर कोलाज हमने बच्चों के साथ मिलकर क्लास में बनाए थे, तो इस साल आपको भी कोलाज बनाना है। तो कोलाज क्या होता है कि एक प्लेन पेपर पे, सुंदर से क्लीन पेपर पे हमें जो हमारा फेवरेट पर्सन है, या फिर कोई भी फेवरेट पर्सन ही नहीं, सपोज़ कोई बर्ड है, कोई एनिमल है, या फिर कोई भी आपका फेवरेट टॉपिक है, उस बारे में आप उस पेपर पे पेपर कट करके लगाते हो, चिपकाते हो, या फिर न्यूज़पेपर में आपको कभी कुछ उस बारे में पढ़ने के लिए मिला, आपको पसंद है, तो आप उसका कटिंग करके आप अपनी पेपर पे स्टिक कर देते हो, उसे कहते हैं कोलाज। तो यहाँ पे कोलाज का एक छोटा सा टाइप बताया हुआ है, कैसे एक बच्चे ने कोलाज बनाया हुआ है। ऐसा कोलाज आपको भी बनाना है, लेकिन सेम नहीं बनाना है, आपको पेपर कट करके न्यूज़पेपर में से फाइंड करके अपनी नोटबुक में या ड्राइंग पेपर में बनाना है, और फिर मुझे उसका फ़ोटो सेंड करना है। तो पहले हम पढ़ेंगे, और कैसे बनाना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सचिन रमेश तेंदुलकर, हम सब जानते हैं सचिन रमेश तेंदुलकर कौन है, इनका फ़ोटो देखकर ही हमारा दिल खुश हो जाता है हमेशा। तो सचिन रमेश तेंदुलकर एक क्रिकेटर है जो आप सब जानते हो। उनका जन्म हुआ था, डेट ऑफ बर्थ है उनकी 24 अप्रैल 1973। तो ये एक बच्चे ने, जब उसे पेपर में मिला होगा, उसने ऐसा कट करके यहाँ पे लगाया हुआ है, मतलब आपकी बुक में नहीं लगाया, उसने अपने पास लगाया हुआ है, और उसका एक फ़ोटो यहाँ पे दिया गया है। उनका फर्स्ट मैच था 15 नवंबर 1989 को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का था। फर्स्ट ओडी, ओडी मतलब वन डे इंटरनेशनल, तो वो था 1989 वर्सेस पाकिस्तान, वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट में ही था उनका। उनके ओडी सेंचुरीज है 49, ओडी हाफ सेंचुरीज है 96, टेस्ट सेंचुरीज 51, टेस्ट रन्स 15,921। नंबर बोलने के लिए भी हमें कितना टाइम लग जाता है, उन्होंने इतने सारे रन बनाए हुए हैं। ओडी रन्स, वन डे इंटरनेशनल रन्स है 18,426। लास्ट टेस्ट, लास्ट मैच मतलब लास्ट टेस्ट उन्होंने कभी खेला था, 14 नवंबर 2013 वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के साथ। हर बार पाकिस्तान है, यहाँ पे तो चलो वेस्ट इंडीज़ आ गया। लास्ट ओडी 18 मार्च 2012 वर्सेस पाकिस्तान। सचिन रमेश तेंदुलकर रिसीव्स भारत रत्न, सचिन रमेश तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है, एक बहुत ही बड़ा अवार्ड होता है जो हर किसी को नहीं मिलता, बहुत ही कम लोगों को मिलता है, और उन लोगों को मिलता है जिन लोगों में उस अवार्ड पाने की काबिलियत होती है। द यंगेस्ट रेसिपियंट ऑफ भारत रत्न, मतलब सबसे कम उम्र वाले अभी तक के व्यक्ति है सचिन रमेश तेंदुलकर, जिनको भारत रत्न मिला है। तो अभी उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन मेंस ओडी में सेंचुरी बनाने वाले, डबल सेंचुरी बनाने वाले फर्स्ट प्लेयर हैं। प्लेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ द टेस्ट ओडी मैचेस, हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट खेले हैं ओडी में। द ओनली क्रिकेटर टू स्कोर अ 100 सेंचुरीज इन इंटरनेशनल क्रिकेट, 100 सेंचुरी बनाने वाले अकेले हैं। दो ओनली प्लेयर टू स्कोर 50 सेंचुरीज इन टेस्ट क्रिकेट में 50 सेंचुरी बनाने वाले अकेले हैं। फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 15,000 रन इन द टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में 15,000 रन बनाने वाले फर्स्ट बेस्ट बैट्समैन हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, अभी इनका एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्होंने ही बनाए हैं। हॉनर्स, अभी उनको कौन से अवार्ड मिले हैं, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री, महाराष्ट्र भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सारे जो अवार्ड के नाम हम सुन रहे हैं वो कोई छोटे अवार्ड नहीं हैं, बहुत ही हाई लेवल के अवार्ड है जो इजीली किसी को नहीं मिलते। ओ कोलाज इज़ एन आर्टिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ पेपर कट आउट पिक्चर्स फोटोग्राफ्स टेक्स्ट एक्सेट्रा। यू कैन मेक अ कोलाज ऑन अ सिंगल टॉपिक, और यू मे ब्रिंग
टुगेदर वेरियस टॉपिक्स एंड आइडियाज़ इन अ कोलाज। अभी कोलाज कैसे बनाना है, एक पेपर लेना है, सपोज़ यहाँ पे सचिन तेंदुलकर का हमने बनाया है, सपोज़ आपका कोई फेवरेट पर्सन, कोई सेलिब्रिटी होगा, या कोई सिंगर है, या कोई एनिमल, या फिर कोई बर्ड है, या फिर कोई अदर क्रिकेटर ही है जैसे कि कोहली या धोनी है, तो आप धोनी के फ़ोटोज़ लगा सकते हो, उन्होंने कौन से मैचेस कब खेले हैं, कौन सा उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, कौन से उनको अवार्ड मिले हैं, इस ऐसे सारे फोटोग्राफ्स कट करके आप बना सकते हो। माय फेवरेट क्रिकेटर। टचिंग फेयरवेल स्पीच। अभी एक फेयरवेल हुआ था सचिन का, तो उन्होंने एक स्पीच दिया था, वो बहुत ही हार्ट टचिंग था। तो क्या कहा था उन्होंने, सचिन थैंक ऑल द पीपल हु हेल्प हिम इन हिज लाइफ। तो सचिन ने सबको धन्यवाद दिया जो भी लोगों ने उनको अपनी उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प की, हिज पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, हिज कोच, डॉक्टर्स, ट्रेनर, मैनेजर, मीडिया एंड ऑल द पीपल हु सपोर्टेड हिम। तो इतने सारे लोगों को उन्होंने थैंक यू कहा जिन्होंने भी उसे उन्हें सपोर्ट किया। प्रोफेसर रमेश तेंदुलकर सचिन फादर। तो रमेश तेंदुलकर जो सचिन के फादर थे, डाइड व्हेन द 1999 वर्ल्ड कप मैचेस वेयर गोइंग ऑन। तो उनके फादर ऑफ हो गए थे जब भी वर्ल्ड कप चल रहा था 1999 में। सचिन रिटर्न टू इंडिया जस्ट फॉर अ लिटिल वाइल एंड रिटर्न इमीडिएटली। अभी एक साइड तो वर्ल्ड कप चल रहा है, दूसरी साइड उनके फादर ऑफ हो गए, कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है एक इंसान के लिए, लेकिन ऐसे ही टाइम में भी उन्होंने वर्ल्ड कप नहीं छोड़ा। तो एक छोटे से टाइम के लिए इंडिया में आए, जो भी उनका काम था करके वो रिटर्न मैच के लिए गए। ही स्कोर्ड अ सेंचुरी अनबीटन 140 रन्स ऑफ 101 बॉल्स, और उसमें भी उन्होंने पूरा ध्यान लगाया और फिर से एक सेंचुरी मारी इन द नेक्स्ट मैच अगेंस्ट केन्या। ही डेडिकेटेड हिज सेंचुरी टू हिज फादर, और उन्होंने जो सेंचुरी बनाई थी वो उन्होंने उसके उनके फादर को डेडिकेट की। वी आर प्राउड ऑफ यू सचिन। वॉट सचिन सेड अबाउट हिज सर रमाकांत अचरेकर इन हिज फेयरवेल स्पीच। तो अभी सचिन ने उनके जो सर थे उनके सर के लिए उन्होंने क्या कहा फेयरवेल स्पीच में, तो उन्होंने कहा ऑन अ लाइटर नोट, इन द लास्ट 29 ईयर्स सर हैज़ नेवर एवर सेड वेल प्लेड टू मी बिकॉज ही थॉट आई वुड गेट कंप्लेसेंट एंड वुड स्टॉप वर्किंग हार्ड। तो पिछले 29 ईयर्स में मैंने जितना भी खेला, कुछ भी किया, कभी मुझे सर ने मेरा कभी मुझे बढ़ावा नहीं दिया कि हाँ बहुत अच्छे खेले, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा खेले, ऐसे ही करो वैसे ही करो, कभी उन्होंने मुझे सब बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता था कि कहीं वो मुझे बोल देंगे तो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मुझे कहीं घमंड ना आ जाए, कहीं थोड़ा मुझे जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो कभी कम ना पड़ जाए। मे बी ही कैन पुश मी हिज लक एंड विश मी नाउ वेल डन ऑन माई करियर बिकॉज देर इज़ नो मोर मैचेस सर इन माई लाइफ। तो वो बोलते हैं कि सर शायद अभी मुझे बोल सकते हैं वेल डन, क्योंकि इसके बाद मेरे कोई भी मैचेस नहीं है, क्योंकि अभी वो रिटायर हो रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने फेयरवेल स्पीच में ये कहा था। आई विल बी फिटनेस इन क्रिकेट एंड क्रिकेट विल ऑलवेज स्टे इन माई हार्ट। जो क्रिकेट है वो हमेशा मेरे दिल में रहेगा, बट यू हैव हैड एन इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इन माई लाइफ, सो थैंक यू वेरी मच। उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ में आपका एक बहुत बड़ा हाथ है, मेरा करियर बनाने में बहुत ही बड़ा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसलिए मैं थैंक यू कहता हूँ आपको। अ यंग एडमायर ऑफ सचिन तेंदुलकर हैड मेड दिस कोलाज अबाउट लाइफ एंड वर्क ऑफ हर फेवरेट क्रिकेटर। यू कैन ऑल्सो मेक अ कोलाज अबाउट योर फेवरेट स्पोर्ट पर्सन और एनी अदर पर्सनैलिटी। तो जिससे ये कोलाज बनाया हुआ है, आप भी कोई आपके फेवरेट स्पोर्ट पर्सन पे बना सकते हो कोलाज। आपको ऐसा कोलाज बनाकर मुझे सेंड करना है, छोटा होगा बड़ा होगा जैसा भी होगा, पर आपको बनाना है कोलाज। इसके हार्ड वर्ड्स मैं आपको सेंड करूँगी। मेक अ कोलाज ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस। तो आपको कोलाज बनाना है कोई भी आपकी चॉइस लेकर, एनिमल, बर्ड, फेवरेट पर्सनैलिटी, सेलिब्रिटी,
या कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई भी हो सकता है. राइट अ फ्यू लाइन्स 3 to 5 अबाउट द फॉलोइंग अ मैच दैट यू हैव सीन ऑन द प्लेग्राउंड और ऑन टीवी. अभी आपने कोई भी मैच देखा होगा टीवी पे या फिर स्टेडियम में जाकर देखा होगा, उसके बारे में आपको लिखना है. हाउ योर टीचर हेल्प यू टू डू बेटर इन योर वर्क. अभी आपको आपकी टीचर कैसा हेल्प करती है आपको आपके वर्क में, वो लिखना है. समवन अदर देन योर पेरेंट्स एंड टीचर्स वो हैड हेल्प यू. तो आपको आपके टीचर और पेरेंट्स के अलावा किसी और ने हेल्प की है क्या और कैसे की है वो लिखना है. तो यहाँ पे हमारा ये कोलाज कैसे बनाना है आपको समझ में आ ही गया होगा. तो आपको बनाना है, इसका हार्ड वर्क मैं आपको सेंड करूँगी. थैंक यू.